अभी हम लोग मंदिर को यहाँ पे फिट करा रहे हैं और आज डेट है 11 तारीख। 11 तारीख के रात में ही हम लोग मंदिर फिट करा लिए थे और जो मैं किचन के लिए रैक खरीदी थी उसे भी फिट करा लिए थे। लेकिन ये वीडियो मैं पूरा बनाई थी, दिवाली की सफाई चल रही थी, लेकिन मैं वीडियो डाल नहीं पाई, एडिटिंग नहीं हो पाया। वीडियो बनाना थोड़ा आसान है लेकिन वीडियो एडिट करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है वीडियो को एडिट करना, इसलिए मैं क्लीनिंग वाला वीडियो मैं नहीं डाल रही हूँ। वो सारे क्लिप को मैं कट कर दी हूँ, डायरेक्ट मैं आप लोगों को 13 तारीख वाला वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि 11 और 12 दोनों वीडियो मैं बनाई थी लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाई। और इतना लेट मैं डालूँगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा आप लोगों को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय ब्यूटीफुल लाइफ इज दिशानी। कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। आज है 13 नवंबर, छोटी दिवाली, और कल था 12 नवंबर, और कल ही हम लोग धनतेरस मनाए थे। आप लोग कब धनतेरस मनाए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कैलेंडर में ना 13 तारीख को ही धनतेरस दिया हुआ है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो कल मेरी सासू माँ कॉल की हुई थी तो उन्होंने बताया कि 2 बजे से लगने वाला है धनतेरस, तो धनतेरस तो हम लोग कल ही मनाए। और धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, तो इस बार हम लोग कुछ भी नहीं खरीदे हैं, सिर्फ एक झाड़ू खरीदे, कुछ खरीदे या ना खरीदे, एक झाड़ू भी खरीद लिए तो चलता है। तो कल मैं मार्केट गई लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या लूँ, तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो एक मैं झाड़ू लेकर आ गई। और हस्बैंड ना फोटो लेकर आया लक्ष्मी जी गणेश जी का, क्योंकि दिवाली के दिन पूजा होता है, तो वो फोटो लेकर आ गए। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, हस्बैंड आ रहे हैं, तो मुझे स्टेशन जाना है, दिशानी को लेके जाना है। और अभी मैं ना हेयर वॉश की हूँ तो इसलिए बाल मेरा गीला गीला है, क्योंकि कल मैं धो नहीं सकती हूँ ना, कल शनिवार है तो शनिवार के दिन हम लोग बाल नहीं धोते हैं, तो इसलिए मैं आज ही बाल धो ली हूँ। और सुबह में मुझे याद नहीं आया बाल धोना, और मैं इतना ज्यादा ऑयल लगाई थी ना, इसलिए मैं अभी धो ली हूँ। और कल तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया क्लीनिंग करने में, माय गॉड बहुत ज्यादा क्लीनिंग किए, और मैं इतना ज्यादा टायर्ड हो गई थी ना, क्लीनिंग करते वक्त पता नहीं चला लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं कितना ज्यादा टायर्ड हो गई हूँ। जब मैं सोने आई ना, ओ माय गॉड, पूरा शरीर मेरा दर्द हो रहा था, वैसे भी पहले से तबीयत खराब था, सर्दी लगी हुई थी और उसकी वजह से तो पहले से ही दर्द था, और कल मैं इतना सारा काम कर ली ना तो और भी ज्यादा दर्द होने लगा। तो इसलिए आज मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं की हूँ, मैं सोची चलो डायरेक्ट शाम से स्टार्ट करती हूँ, और आज मैं कोई भी काम नहीं की हूँ, सच में आज मैं बहुत रेस्ट की हूँ। और आप लोग तो दिशानी को देखे ही नहीं है, मेरी शुन्नू बाबू को आपको देखना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा, नया ड्रेस पहनी है। के बक 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 बोलते रहती है, समझ में नहीं आता है। अभी पता है 5 बजने वाला है और मैं अभी तक घर में ना बक बक कर रही हूँ, सच में लेट हो जाऊंगी। और मेरा किचन ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो मैं रैक लगाई हूँ ना, इससे मेरा किचन का लुक बहुत अच्छा आ रहा है। जब भी मैं किचन में आ रही हूँ तो डायरेक्ट इसी पे नजर जा रहा है, कुछ भी नया चीज करते हैं ना तो कुछ टाइम तक तो आपको नया लगता है और नजर उसी पे जाता है ना। और दिशानी को पहले आप सामने से देख लीजिए, आ जाओ बेटा जल्दी से दिखा दो, दिशानी मेरी क्यूटी बाबू बन गई है, और क्यूटी बाबू का क्यूट क्यूट ड्रेस भी है। और मैं ना आज ये वाला कुर्ता पहन ली हूँ, मैं सोची कि कुछ और पहनती हूँ लेकिन मैं नहीं पहनी हूँ, मैं सोची चलो कुछ ऐसा ड्रेस पहनते हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूँ, तो ये अच्छा है तो इसलिए मैं ये वाला पहन ली हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। Hold me close till I get up, time is barely on our side, what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, मार्केट से आ गए हैं और
मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ था और मैं मार्केट से ढेर सारा सब्जी ले आई। और देखिए मेरा लाइट भी जल गया है, अच्छा लग रहा है ना। तो मैं बहुत सारा सब्जी लेकर आई हूँ और कल है दिवाली। दिवाली के दिन हमारे घर में ना मतलब पकौड़ा बनता है, 5 अलग अलग पकौड़ा बना सकते हैं, 5 या 7 ऐसे बनाया जाता है। तो मैं उसके हिसाब से ना सब्जी लेकर आई हूँ। आ गई, हाँ आ गई, दिशानी साइकिल चला रही है। तो उसके हिसाब से ही मैं सब्जी लेकर आई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ फटाफट खाना बनाने। मैं हरी मिर्च लाई हूँ, अदरक लाई हूँ, 1/2 kg मैं अदरक लेकर आ गई हूँ और मैं लौकी लाई हूँ, परवल लाई हूँ और देखिए आंवला भी लाई हूँ और मूली लाई हूँ, कच्चा केला और ये देखिए आंवला और धनिया पत्ता और बैगन भी लाई हूँ। देखिए बैगन जो कि अंदर छुपा हुआ है और इसी में दूध के पैकेट है, तो सबसे पहले दूध के पैकेट निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ। और अभी मैं परवल की सब्जी बनाने जा रही हूँ और इसमें देखिए दिलशानी का है इसको पता है मैं नहीं बोली हूँ ताकि इसको याद आ जाएगा, अभी बोलने लगेगी खाने के लिए और खुद ही ये बोल दी चॉकलेट। चावल चढ़ा दी हूँ और सब्जी अभी पक रहा है क्योंकि परवल अच्छे से पका नहीं है, तो थोड़ा टाइम तक मैं उसे पकाऊंगी और जब ग्रेवी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना तो मैं गैस को बंद कर दूंगी, सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। सारा दिन ना यही करना, मेकअप ही करते रहना। एक ब्रश ले लिए मेकअप ब्रश और मेकअप कर रही अरे फिर से गिर गया। दिशु क्या कर रही हो, नीचे उतरो, फिर से लाइट गिरेगा। सब चीज तो अच्छा लग रहा है और यहाँ देखिए मैं मॉप में सुखा दी हूँ, नीचे एक कपड़ा दिख रहा है। टिशू हटा दो, वो कपड़ा हटा दो, हाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना, हटा दो ये, नहीं नीचे वाला हटा दो, मॉप में निकाल दूंगी। मॉप में तुम निकालो, वो कपड़ा निकालो, हाँ निकाल दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, नीचे रखो, नीचे रखो, इधर रखो, हाँ ए रुको रुको, ये टूट जाएगा बिट्टू, समझती नहीं है ना। सॉरी फॉर बीइंग फॉर बीइंग अ मैन। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे घुमाओ, राउंड राउंड घुमाओ उसे। अरे वाह अच्छा लग रहा है दिशु। अच्छा लग रहा है बेटा, नहीं फेंकना मत, फेंकना मत, फेंकना मत, मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो, ये बहुत गर्म है, ठीक है इसे फेंकने मत, ठीक है। माय गॉड, आपने एक चीज नोटिस किया, देखिए दृशानी उल्टा पैंट पहनी है। माय गॉड, तब से तुम उल्टा ही पैंट पहनी है बेटा, न्यू स्टाइल है दृशानी का पता नहीं चल रहा है, ध्यान से देखने पे ऐसा पता चल रहा है कि ये उल्टा पैंट पहनी है। हम लोग का डिनर हो गया है और मैं दूध भी गर्म कर ली हूँ और अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, 11 बज गया है और दिशानी तो सो गई है, दिशानी से आप लोग नहीं मिल पाएंगे और अभी मैं जम का दिया भी निकाल दी हूँ।
तो जमकर दिया निकाला जाता है घर से बाहर। तो मैं दरवाजे के पास रखी हूँ दिया को जलाकर। तो दिया के नीचे ना पांच अनाज रखा जाता है, कुछ भी रख सकते हैं, दाल चावल गेहूं ऐसा, मतलब दाल अलग अलग दाल भी रख सकते हैं। और उसे रख के और पलट के देखना नहीं पड़ता है, दरवाजा बंद कर देना पड़ता है। और सोने से पहले ये नियम किया जाता है। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मतलब बहुत पहले से ही दिया जलाने लगते हैं, दरवाजे के पास दिया जला के रखते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है। कल है दिवाली तो कल ही दिया जलेगा पूरे घर में, और दिवाली के नेक्स्ट डे भी जलता है। तो इस तरह से होता है। आप लोगों के घर में ऐसा नियम होता है क्या? होता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो मैं भी वैसा ही करती हूँ। आज के दिन मतलब एक भी दिया नहीं जलता है, सोने से पहले ही दिया जलाया जाता है। तो आज मेरे लिए ना बहुत बड़ा दिन है, और आज मेरे चैनल का ना पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। देखते देखते में 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और आप लोग बहुत सपोर्ट किए मुझे, और अभी मेरे 30K की फैमिली है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मतलब 50K की फैमिली हो जाए। 12 नवंबर के दिन मैं कौंडेश्वर टेम्पल मंदिर घूमने गई थी, यहाँ पे ही है, बदलापुर में ही है। और 13 नवंबर को मैं वो वीडियो डाली थी। तो फर्स्ट वीडियो था मेरे चैनल का कौंडेश्वर टेम्पल ब्लॉग, मैं फर्स्ट बार वो ब्लॉग बनाई थी और अपने चैनल पर डाली थी। पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया 13 नवंबर, मुझे हमेशा याद रहता है। और आप लोगों को पता नहीं था ना, तो आप लोगों को बताना जरूरी था। देखते देखते में कैसे दिन निकल गया पता ही नहीं चला। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना ना हमेशा भूल जाते हैं। और कल है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सबको हमारे पूरी फैमिली की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइएगा, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिएगा, और मैं भी अच्छे से मनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अभी हमारा लाइट भी लग गया है, और लाइट लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग 2 घंटा लगा लाइट लगाने में। और अभी हमारा घर कैसा दिख रहा है, वैसे दिवाली के लिए पूरा घर रेडी कर दिए हैं, सजा दिए हैं, और थोड़ा बहुत डेकोरेशन और बाकी है, वो तो दिवाली के दिन हो जाएगी। और मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देने वाली थी, तो सरप्राइज़ यही था कि मेरे चैनल का 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, मैं नेक्स्ट ईयर से सेलिब्रेट करूँगी। इस बार मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई हूँ, और दिवाली वाला ब्लॉग आप लोगों को कल मिलेगा। वीडियो, ये वाला वीडियो मुझे डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें मैं अपने चैनल के बारे में बताई थी, इसलिए आज मैं डाली हूँ। और ये ब्लॉग दिवाली के दिन ही जाने वाला था, लेकिन अच्छे से एडिटिंग नहीं हो पाया था, इसलिए मैं नहीं डाल पाई। और दिवाली वाला ब्लॉग आप लोगों को कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बाय बाय।